सभ्यता सभी साथियों को जय भीम जय मनवासी। साथियों, आज हम भारत के गणतंत्र प्रजासत्ताक के अमृत महोत्सव काल में प्रवेश कर रहे हैं। मैं मूल निवासी सभ्यता संघ की तरफ से आप सभी को, सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, हमें पता है कि भारत की गणतांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को हर बार यहां पे विदेशी कहकर आलोचना की जाती है, लेकिन बाबा साहब ने इन सब का जवाब संविधान सभा में दिया है। भारत के प्राचीन काल में जैसे कि वज्जिगण था, शक्यगण था, नागगण था, जिसका जिक्र बाबा साहब के पूरे साहित्य में आंदोलन में आया, तो ये पूरा जो साहित्य रहा ये हमारे लिए एक आइडियल के तरफ से हम देखते हैं कि इन्हीं गणतांत्रिक व्यवस्था को देखते हुए पूरे विश्व में एक तरह से मानवीय अधिकारों की लड़ाई हुई, मानवीय विचारों का जो जागरण हुआ तो इन्हीं गणतांत्रिक व्यवस्था के तरफ देखते हुए हुआ। सम्राट अशोक का काल अगर हम देखते हैं तो पूरे विश्व में इसको एक तरह से आइडियल काल माना गया है, एक तरह से आदर्श काल माना गया है। तो भुले साहब को अगर जिक्र करते हैं तो भुले साहब ने जिस बलि राज की, बलिस्तान की कंसेप्ट दी है, बलिस्तान का जो जिक्र किया है, एक तरह से वो भी गणतांत्रिक व्यवस्था थी। इतिहास काल में और 26 जनवरी 1950 के बाद जो प्रजासत्ताक गणराज्य व्यवस्था हमारी है, क्या आज उसी तरह से हम देखते हैं क्या? आज हम देख रहे हैं कि हमारी एक प्रजासत्ताक गणराज्य व्यवस्था पूरी तरह से खतरे में आ गई है। देश में ब्राह्मणी सांस्कृतिक दहशतवाद अपने चरम सीमा पे है। हमने अनुभव किया कल 22 तारीख को पूरे देश में किस तरह से यह सांस्कृतिक दहशतवाद हमें देखने को मिला। सवाल राम या कृष्ण का नहीं है, सवाल है सांस्कृतिक दहशतवाद का। ब्राह्मणी ग्रंथों ने जिस तरह से यहाँ पे अपना विचार फैलाया, ब्राह्मणों ने जिस तरह से यहाँ पे अपनी जड़ों को मजबूत करने का प्रयास किया, आज एक तरह से एक खतरा हमारे सामने देखते हुए नजर आता है। बाबा साहब ने जिक्र किया था कि अगर हम सामाजिक लोकतंत्र नहीं ला पाएंगे तो ये राजनीतिक लोकतंत्र भी खतरे में आएगा। आज हम देखते हैं कि एक सामाजिक लोकतंत्र तो बहुत दूर की बात, लेकिन राजनीतिक लोकतंत्र भी खतरे में आया हुआ है। इसे बचाने का जिसके ऊपर हमने जिम्मा दिया था वो पूरी शासक जातियां उसको खत्म करने पे तुली है। ऐसे समय में पूरे फुले अंबेडकरी आंदोलन एक तरह से इसको बचाने की कोशिश कर रहा है। खासकर बामसेप और उनके ऑपोजिट विंग अपना कंधे पे इसका जिम्मा लेते हुए देखते हैं कि पूरे जोर से BS4 आंदोलन के तहत हम इस संविधान को बचाने की, इस लोकतंत्र को बचाने की, इन गणतंत्रों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि ये लड़ाई एक तरह से ब्राह्मणी दहशतवाद के आंदोलन के खिलाफ मूल निवासी कलाचारिक सभ्यता की लड़ाई है। अगर हम मूल निवासी सभ्यता की कलाचारिकता को जिंदा रखना चाहते हैं तो हमें हमारे उत्सव, हमारा खान पान, रहन सहन, बोलचाल, गीत, संगीत, नृत्य, चित्रकारिता को ध्यान में देना होगा। जिस तरह से ब्राह्मणों ने, ब्राह्मणी ग्रंथों ने, ब्राह्मणवाद ने जिन लोगों को गुलाम बनाया, मतलब पूरे भारतीय लोगों को गुलाम बनाया, जिन साधनों का प्रयोग किया, वो वही साधन है जिनका आप जिक्र करते हैं। अगर इन कारणों के साथ उन्होंने हमें गुलाम बनाया है, इन साधनों के साथ अगर गुलाम बनाया है, तो उन्हीं कारणों को हमने नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उन्हीं साधनों को हमने नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उन्हीं साधनों को हमें हथियार बनाना पड़ेगा। और हमारे गीत, हमारा संगीत, हमारा खान पान, हमारा बोलचाल, हमारा नृत्य, हमारी चित्रकारिता, हमारा शिल्प, इनको हमने एक बार हथियार बनाकर फुले अंबेडकरी आंदोलन को एक तरह से हमने सामने रखते हुए उन्हीं विचारधारों को, उन्हीं तत्व ज्ञान को हमें जिंदा रखना पड़ेगा। अगर हम फुले अंबेडकरी तत्व ज्ञान
और फुले अंबेडकरी विचारधारा को जिंदा रखते हैं तो हम फुले अंबेडकरी उत्सव, खान पान, बोलचाल, गीत संगीत को भी जिंदा रखेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि अगर हमें इन्हें जिंदा रखना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमें पहले, मैं अपेक्षा करता हूँ पूरे मूलनिवासी बहुजन समाज से कि आज से ब्राह्मणी जिस मंदिर ब्राह्मण रहता है उस मंदिर में नहीं जाएंगे, जिस मंदिर जिस पूजा के साथ ब्राह्मणों का ताल्लुकात है वो पूजा नहीं करेंगे, जिस उत्सव में ब्राह्मण आते हैं वो उत्सव नहीं मनाएंगे, जिन ब्राह्मणों ने हमारे रहन सहन पे सवाल खड़ा किया है उनका हम ये खान पान और बोलचाल नहीं मानेंगे। अगर हम चाहते हैं आज से इस प्रजातंत्र के इस दिन से अगर हम इसकी शुरुआत करते हैं तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हम बहुत ही इस सांस्कृतिक दहशतवाद से मुक्ति पाएंगे और हम हमारी संवैधानिक सभ्यता को निर्माण कर पाएंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूलनिवासी, जय सभ्यता।